गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है। जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है उसके अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई थी, उस रिलैक्सेशन के लिए जो अगस्त का महीना है वो लास्ट है। कैसे वो लास्ट है एक बार हम लोग देखेंगे, और उसके बाद किस तरीके से आप उसे रिकनसाइल करेंगे, कैसे आपको क्लेम करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 30। इसके अंदर क्या चीजें बताई गई थी जो आपको समझना जरूरी है, वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर दिया गया है। इन द सेड रूल्स, सेड रूल्स का मतलब सीजीएसटी रूल्स, इन सब रूल 4 ऑफ रूल 36 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। यानी कि रूल 36 सब रूल 4 के अंदर एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया था। पहले ये समझते हैं कि ये जो रूल 36 सब रूल 4 है ये किस चीज की बात करता है। रूल 36 सब रूल 4 आया था 9 अक्टूबर 2019 को। रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है, वो कहता है आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा और उसको लिमिट कर दिया जाएगा जीएसटीआर 2A के अंदर जो इनवॉइसेस दिखेंगे वो प्लस 20% ऑफ जीएसटीआर 2A invoices तक आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि 9 अक्टूबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 20% ऑफ अपलोडेड invoices प्लस अपलोडेड invoices का क्रेडिट आपको मिलेगा। 1 जनवरी 2020 से इस नियम में 20% को हटा करके 10% किया गया था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद ये जो रूल 36 सब रूल 4 की कंडीशन थी इसे यहां पर काफी हद तक रिलैक्स किया था गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट द सेड कंडीशन कौन सी, 20% और 10% वाली, शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त एंड द रिटर्न इन 3B for the September shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the conditions given above। यानी कि अभी तक जो हमने रिटर्न फाइल करी है GSTR 3B के अंदर फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की, मई महीने की, जून महीने की और जुलाई के साथ साथ अगस्त की जो 3B फाइल होगी इसके अंदर हम लोगों ने रूल 36 सब रूल 4 का एप्लीकेशन नहीं किया। जो हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल थे उन सारे इनवॉइसेस का क्रेडिट हम लोग लेते चले गए। अब आपको क्या करना है, इस फरवरी से लेके अगस्त महीने का पूरा आईटीसी जो है वो रिकनसाइल कर लेना है। आईटीसी रिकनसाइल करते समय आपको ध्यान ये रखना है 10% और 20% का जो कैलकुलेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल आईटीसी के ऊपर करना है। लेट सपोज आपके 2A में कुछ ऐसे इनवॉइसेस आ रहे हैं जो कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है या फिर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है, तो उसे आप हटा देंगे, उसको आप 20% या 10% की कैलकुलेशन में नहीं रखेंगे। तो ये चीजें अब आपको ध्यान रखनी होगी कि किस तरीके से फरवरी से लेके अगस्त तक का जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया था उसके लिए ये लास्ट मंथ है, इसीलिए रिकनसाइल करना जरूरी है। सर हमारी तो जीएसटीआर 3B में पहले की रिटर्नों में गलती हो गई है, अब क्या करें। सर उस गलती को ठीक करने के लिए कैसे आप ठीक कर सकते हैं, 2 अगस्त 2020 यानी कि संडे को 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रखा गया है जिसमें 3B और जीएसटीआर 1 को रेक्टिफिकेशन करने का क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी है उसको किस तरीके से आप भर सकते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग आपको करके दिखाई जाएगी, ऑनलाइन डेटा उसमें आप कैसे फीड करेंगे, साथ ही साथ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में किस तरीके से टेबल्स जो है वो बनेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए जो ये रिकंसिलेशन की बात है उसके लिए आपको कहाँ जाना है, उसके लिए आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो कंपैरिजन टूल आपको दिखता है जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और लायबिलिटी का कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन जो है, कंपैरेटिव डेटा जो है वो पोर्टल आपको शो करता है। इस
इस कंपैरेटिव टूल से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसमें आपको फरवरी महीने का और मार्च महीने का आपको ये चेक कर लेना है कि 3B में आपने क्या ITC क्लेम किया है, CGST, SGST और IGST में, साथ ही साथ 2A में क्या ITC आ रहा है। इसी तरीके से मार्च महीने का अगर आपने फाइल कर लिया है रिटर्न, तो मार्च महीने का आप क्यूमुलेट करेंगे। उसके बाद ये हो गया 1920 के दो ईयर, फिर सिमिलरली 2021 का आपको ये टेबल ओपन करना है और अप्रैल से लेके अगस्त 2020 तक पहले ये चेक करना है कि जो 3B में ITC आ रहा है और जो 2A में ITC आ रहा है, क्या वो 10% और 20% की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको कैलकुलेशन करना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ ITC ऐसा है जो कि इन एक्सेस ऑफ रूल 36 सब रूल 4 आपने क्लेम कर लिया है, और उस अमाउंट को सितंबर की जो रिटर्न आप भरेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है सितंबर की रिटर्न में क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करके आप उस फिगर को एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन अगस्त 2020 के अंदर कर लेनी होगी कि फरवरी से लेके अब जो अगस्त महीने में आप क्लेम करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए करेंगे। Shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the condition as mentioned above. यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे रिवर्स चार्ज का क्रेडिट है वो आपके 3B में तो आएगा, 2A में आएगा नहीं, तो उस ITC को आप यहाँ से हटा देंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्रेडिट है वो तो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर रूल 36 सब रूल 4 वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसको भी हटा देंगे। साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन 3B में आपने क्रेडिट क्लेम किया होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसमें भी रूल 36 सब रूल 4 जो है वो लागू नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है, इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि लेट सपोज आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, और वो क्लेम कब करा है आपने, 9 अक्टूबर 2019 के बाद, लेकिन उसका जो इनवॉइस डेट है वो 9 अक्टूबर 2019 से पहले का है, तो क्या उसके ऊपर भी ये वाला कंडीशन लग जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इशू किया था वहां पर जो वर्डिंग्स इन्होंने यूज करी थी, वहां पर इन्होंने बोला था जो भी इनवॉइसेस का क्रेडिट आप लेंगे आफ्टर 9 अक्टूबर 2019 उन सब पे रूल 36 सब रूल 4 का एप्लीकेशन जो है वो करना पड़ेगा, भले ही वो इनवॉइस आपको 9 अक्टूबर से पहले की डेट में दी गई है। कहने का मतलब है कि 9 अक्टूबर के बाद आपको उस इनवॉइस का क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके GSTR 2A में वो चीजें अपलोड कर दी गई हो, अदरवाइज क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगस्त का आज फर्स्ट डे है, आज से हमारे फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो रहे हैं, और इसी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने जो हमारी मंथली टैक्स मैगजीन है उसके अंदर पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट 10% का रखा है, जो पहले आएगा उसे पहले फायदा पहुंचेगा। आप ज्यादा जानकारी के लिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर हम लोग इनकम टैक्स, GST, TDS एंड ड्यू डेट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो हर महीने आपको कंपाइल करके प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट कॉपीज एंड हार्ड कॉपीज दोनों ही कैटेगरीज में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।